नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर खरीदी है टीआरपी, दो अन्य न्यूज चैनलों का भी नाम है शामिल। जी हां, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्रॉड टीआरपी के रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीएआरसी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम को जांच में फ्रॉड टीआरपी के रैकेट का पता चला है। परमवीर सिंह ने कहा कि इस रैकेट के जरिए टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। सिंह ने कहा कि इसके जरिए फेक एजेंडा चलाया जा रहा था। परमवीर सिंह ने आगे बताया कि इस रैकेट में अब तक तीन न्यूज चैनलों का नाम सामने आया है, जिसमें दो छोटे मराठी न्यूज चैनल हैं, जिनमें से एक है फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा। इनके अलावा रिपब्लिक टीवी का भी नाम सामने आया है। परमवीर सिंह ने बताया कि इन दोनों मराठी चैनलों के मालिकों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी और न्यूज चैनल का नाम अगर आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली थी कि पैसे देकर टीआरपी मैनेज की जा रही है, जिसे हंसा नाम की एक कंपनी का भी नाम सामने आ रहा है। हंसा कंपनी बार्क का काम देखती है, ऐसे में हंसा के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। परमवीर सिंह ने बताया कि लोगों को 400 से 500 रुपए महीना के हिसाब से पैसे दिए जाते थे और उनसे कहा जाता था कि वह किसी विशेष चैनल को चलाकर अपने टीवी पर रखें, भले ही वह अपने घर में हो या फिर ना हो। अब अमेजोन से बुक कर सकेंगे ट्रेन की टिकट, साथ ही में मिलेंगे कई फायदे। जी हाँ, अमेजोन इंडिया के जरिए अब ट्रेन की टिकट की भी बुकिंग की जा सकेगी। इसके लिए अमेजोन और IRCTC ने साझेदारी की है। अमेजोन अपनी वेबसाइट पर टिकट रिजर्वेशन कराने पर पहली ट्रेन टिकट की बुकिंग पर 10% कैशबैक देगी, जो कि 100 रुपये तक है। तो वहीं प्राइम मेंबर्स को 12% कैशबैक मिलेगा। कैशबैक ऑफर सिर्फ सीमित अवधि के लिए ही मान्य है। नए फीचर के तहत शुरुआती अवधि के लिए कंपनी ने सर्विस व पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जेस से छूट दी है। आपको बता दें कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर होगा। अमेज़न का ट्रेन टिकट बुकिंग फीचर एंड्रॉयड व iOS दोनों प्रकार के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर आप एक बार में 6 लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। तत्काल टिकट बुकिंग के मामले में एक ट्रांजेक्शन में 4 लोगों के लिए टिकट बुक की जा सकती है। टिकट को यात्रा से 120 दिन पहले तक एडवांस में बुक किया जा सकता है। आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल पहले अमेज़न ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए फ्लाइट टिकट बुक करने की सुविधा की शुरुआत की थी। उसके बाद नवंबर 2019 में बस टिकट बुकिंग का भी फीचर ऐड किया है। WHO की चेतावनी, कहा कोरोना बढ़ा तो हर 16 सेकंड में एक मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, यूनिसेफ और उसके सहयोगी संगठनों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी से प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि कोरोना महामारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक बच्चा मरा हुआ पैदा होगा और हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा स्टील बर्थ के केस आएंगे। WHO ने अपनी प्रकाशित रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि प्रत्येक वर्ष करीब 20 लाख शिशु मरे हुए पैदा होंगे, यानी कि स्टील बर्थ पैदा होंगे, और ये मामले ज़्यादातर विकासशील देशों से जुड़े हुए हैं। गर्भाधान के 24 हफ्ते या उसके बाद मृत शिशु के पैदा होने अथवा प्रसव के दौरान शिशु के मृत हो जाने को ही स्टील बर्थ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि पिछले वर्ष उप सहारा अफ्रीका अथवा दक्षिण एशिया में 4 जन्म में से 3 स्टील बर्थ थे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने कहा कि प्रत्येक 16 सेकंड में कहीं कोई मां स्टील बर्थ की पीड़ा झेलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर निगरानी, प्रसव पूर्व अच्छी देखभाल और सुरक्षित प्रसव के लिए पेशेवर चिकित्सक की सहायता से ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। नाराज किसानों को खुश करने के लिए सरकार का प्लान, खरीफ सत्र में धान खरीदने के लिए खर्च करेगी 1.40 लाख करोड़ रुपए।
जी हां, पूरे देश में किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद की जाएगी और MSP पर 156 लाख से अधिक किसानों से 738 लाख टन धान की खरीद के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस साल MSP में 125 लाख गांठ कपास खरीदने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां तक कि संबंधित MSP पर दलहन और तिलहन की खरीद भी की जा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए केंद्र का MSP पर खरीद समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। कमाई में ही नहीं बल्कि दान देने में भी आगे है अंबानी परिवार। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को दिया 5 करोड़ रुपए का दान। जी हां, कमाई और संपत्ति के मामले में देश के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी और उनका परिवार दान देने में भी शायद सबसे आगे है। अंबानी परिवार ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस दान से COVID-19 लॉकडाउन के कारण देवस्थानम बोर्ड को हुए वित्तीय नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रकोष्ठ ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने यह दान दिया है। उन्होंने बताया कि यह दान बोर्ड के अतिरिक्त CEO BD सिंह के अग्रवाल पर दिया गया है। सिंह ने अंबानी परिवार से आग्रह किया कि बोर्ड के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करने के लिए मदद की जरूरत है। बोर्ड के मीडिया प्रकोष्ठ ने बताया कि उनके आग्रह को तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। कैग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी का निशाना, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों की स्थिति पर जारी कैग की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा है। इतने में सियाचिन लद्दाख पर तैनात जवानों के लिए बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि PM मोदी ने अपने लिए 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा है। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था, जैसे कि 32 लाख गर्म कपड़े, 60 लाख जैकेट दस्ताने, 67 लाख 20,000 जूते और 16 लाख 80,000 ऑक्सीजन सिलेंडर। PM मोदी को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। मुकेश अंबानी ने कहा जियो ने मात्र 3 सालों में भारत में 4G नेटवर्क खड़ा कर दिया, इससे पहले 25 साल तक 2G में अटका था। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे डिजिटल तकनीकें चौथी औद्योगिक क्रांति की रीढ़ बनेगी। जियो की तारीफ करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो आने से पहले भारत 2G में अटका था। जियो के माध्यम से देश को पहली बार IP बेस्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी मिली है। जहां 2G नेटवर्क लगाने में बाकी कंपनियों ने 25 वर्ष लगा दिए, तो वहीं जियो ने मात्र 3 सालों में ही भारत में 4G नेटवर्क खड़ा कर दिया। भारत में नहीं होगी रूस की कोरोना वैक्सीन की व्यापक टेस्टिंग, सरकार ने लिया फैसला। जी हां, भारत के दवा नियामक ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें देश में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की इजाज़त मांगी गई थी। इस साल के अगस्त में रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देकर देश दुनिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। ऐसा माना जा रहा था कि अगर उसकी यह कोरोना वैक्सीन इन सही नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, तो यह दुनिया में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन हो सकती है। इसके बाद रूस की कंपनी ने भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब से स्पुतनिक वी को बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसके एडवांस स्टेज के ट्रायल के लिए समझौता किया था।
सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्सपर्ट पैनल के सुझाव पर यह फैसला लिया गया है। इस सुझाव में कहा गया है कि रूस ने कोरोना की जो वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार की है उसके शुरुआती ट्रायल के सुरक्षा और प्रतिरोध क्षमता से जुड़े हुए आंकड़े बहुत कम है और इसके साथ ही इसमें भारतीय सहभागियों पर किए गए परीक्षण के आंकड़े नहीं है। भारत के इस कदम से रूस की कोरोना वैक्सीन बनाने की क्षमता को झटका लग सकता है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर इन भागों में भारी वर्षा का भी अनुमान है। तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। दिन में मौसम गर्म होगा। आज का मैड कुछ क्वेश्चन आ चुका है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियोवी न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।